पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सीएम शिवराज द्वारा दिए गए बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह केंद्र सरकार की असफलता है। पहली बात तो यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री का एसपीजी रूट तय करती है, सुरक्षा की जवाबदारी उनकी होती है, तो अगर कोई गड़बड़ हुई है तो पूरी असफलता केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ही देखती है। और शिवराज सिंह चौहान को जी को ये मालूम होना चाहिए कि मोदी जी यहाँ आते हैं तो राज्य सरकार का इतनी जवाबदारी नहीं होती जितनी कि केंद्र सरकार की एसपीजी की होती है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।